कम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज हम फ्रोजन योगर्ट चॉकलेट कोटेड बना लेते हैं, यानी हिंदी में बोले तो जमी हुई दही को हम चॉकलेट में इसे अच्छे से कोट करेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी सी आइसक्रीम है। अगर आपको गर्मियों में क्रेविंग होती है आइसक्रीम खाने की, तो आप इसे हेल्दी वर्जन में इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरह से फॉयल पेपर लिया है और इसके ऊपर मेरे पास देखिए यहाँ पे मीठा दही है। अगर आपके पास खट्टा दही हो या घर का दही हो तो उसमें आप चीनी मिला लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा दही जो हमारी है थोड़ी वो सूखे टाइप पे हो, ज़्यादा गीली ना हो। अगर आपकी दही थोड़ी पतली है तो उसको थोड़ा सा आप कपड़े में डाल के किसी भी मसलन क्लॉथ में उसे थोड़ा सा लटका दीजिएगा आधे घंटे के लिए, तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इस तरह से मैंने देखिए फॉयल पेपर के ऊपर स्पून की हेल्प से इस तरह से शेप देते हुए हल्का सा इसे मैंने रख दिया। अब इसे हम कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र कर लेंगे। फ्रीज़र करने के बाद देखिए इस तरह से हमारी दही का जो ये बार है, फ्रोजन बार, ये आराम से इस तरह से निकल जाएगा इसके अंदर से। अब मैंने यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट रखी हुई थी, यहाँ पे चॉकलेट को मैंने डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा हुआ था। इसे हम इसमें डिप करेंगे अच्छे से दोनों तरफ से, ताकि जो हमारी फ्रोजन योगर्ट है यानी कि जमा हुआ जो हमारा दही है वो अच्छे से चॉकलेट से कोट हो जाए। बस इतना सिंपल सा ये इसे बनाना है और ये बहुत ही हेल्दी सी बन के रेडी हो जाती है। सभी जो हमने बाइट्स बनाई हैं, बार बनाई है फ्रोजन योगर्ट की, सभी को अच्छे से हम चॉकलेट में इस तरह से डिप कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, मिल्क की चॉकलेट भी ले सकते हैं। मुझे डार्क चॉकलेट ज़्यादा पसंद है और मेरे पास डार्क चॉकलेट थी इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट से बनाई। आपको जो पसंद हो उस चॉकलेट से आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना एक बिल्कुल चॉकलेट वाली आइसक्रीम की तरह लग रहा है, जैसे चोको बार होती है। तो इस तरह से आप भी इसे बना सकते हैं और इंजॉय कीजिए गर्मियों में। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्सअप दें।